देखो चांद आया चांद नजर आया, महिलाओं में दिखी खुशी की लहर। करवा चौथ पर व्रत रखने वाली हर सुहागिन महिला चांद का दीदार करने का बेसब्री से इंतजार करती है। चांद देखने के बाद ही वह अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में किया जाता है। महिलाएं पति के मंगल एवं दीर्घायु की कामना के लिए निर्जला रहकर इस व्रत को रखती है। चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा माना जाता है। इस वर्ष करवा चौथ पर 70 साल बाद रोहिणी नक्षत्र और मंगल का विशेष संयोग बन रहा है। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवा के विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि और संतान सुख मिलता है। शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए हैं और मैंने आज करवा चौथ का उद्यापन करा है। आज सुबह से ही काफ़ी एक्साइटमेंट था, कल मेहंदी फंक्शन था, आज सुबह हमने सुबह लेडी संगीत वगैरह रखा था, दिन भर से क्रेज था, पूजा वगैरह करी और अब चांद का इंतज़ार किया जा रहा है। चांद आते ही हम सब जने वेट कर रहे हैं चांद का। चांद आते ही उसमें सब जने करवा होता है, चौथ माता की पूजा की जाती है, करवा भरे जाते हैं, करवे के अंदर पानी में चीनी डाल के रखी जाती है ताकि चांद जब चांद उगा उगता है तब वो करवा अर्घ देके अपन चांद को और वो करवा अपने पति के हाथों से पिया जाता है और चांद देख के अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। और सब नाम बताइए आपका। मेरा नाम अरुणा। करवा चौथ बहुत ही अच्छा दिन है आज का। हम सब जितनी भी मैरिड वुमेंस हैं सब इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं। सुबह से हम सब भूखे हैं, बिना पानी पे हैं और अभी चांद का वेट कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम आज अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करते हैं, इसलिए हमने आज व्रत रखा है। मेरी सारी जेठानी मेरे साथ है, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। थैंक यू। गुड नेम आपका। कविता भाटी।